अजमेर शहर में आवारा जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। आए दिन बीच सड़क पर सांडों के बीच भिड़ंत देखने को मिलती है। आज एक बार फिर सिने वर्ल्ड के नजदीक दो सांड आपस में भिड़ गए, जिसके कारण चौराहे पर खड़े सब्जी के ठेलों और थड़ियों को नुकसान पहुंचाया और सारी सब्जियां नीचे गिरा दी गई। गनीमत रही कि इस दौरान किसी व्यक्ति की चोट नहीं आई। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों जानवरों को वहां से भगाया, लेकिन जब तक काफी नुकसान हो चुका था। क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में जानवरों द्वारा लोगों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आ रही है। इस घटना का वीडियो वहीं खड़े एक व्यक्ति द्वारा मोबाइल में कैद कर लिया गया, जो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें दो सांड आपस में भिड़ गए हैं और इस दौरान सब्जी के ठेले को भी नीचे गिरा दिया गया और कई दुकानदारों को नुकसान पहुँचाया गया। ऐसे में नगर निगम द्वारा इन आवारा जानवरों पर कार्यवाही की जानी चाहिए, जिससे कि लोगों को नुकसान ना हो। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो पशु है वो हमारे मेन रोडों के ऊपर विचर कर रहे हैं, जबकि नगर निगम की एक जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी आवारा पशु है उनको अपने संरक्षण में रखिए और उनको जो पंचशील के अंदर कांजेस बना रखा है वहाँ पर लेके जाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है जो दुधारू पशु होते हैं जिससे निगम को लाभ होता है उनको तो वो वहाँ पर लेके चल जाते हैं, जिसके माध्यम से निगम को लाभ होता है। लेकिन जो विचरण करने वाले आवारा पशु है जो ज़्यादा नुकसान करते हैं आम जनता को और कई एक्सीडेंट का बड़ा कारण वो आवारा पशु बनते हैं, उनको खुले में छोड़ दिया जा रहा है। अभी हाल ही के अंदर 4 दिन पहले ही एक गाय के आपस में लड़ने से 2 रागीर गिर गए, जो मतलब ये स्थिति है कि अजमेर के अंदर हर तीसरे चौथे दिन हमको ये देखने को मिलता है कि घटनाएँ ऐसी होती आ रही है। लेकिन ये निगम अभी तक इस पर ध्यान नहीं दे रहा, जिला प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और निगम को सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उन पशुओं को के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो कि आवारा है, जहाँ की सिर्फ दुधारू पशुओं को इकट्ठा किया जाए जिससे रेवेन्यू जनरेट हो जाए, ये नहीं करके जो क्राइम है उसको बढ़ाया जाए, कम किया जा सके, इसके लिए निगम को कार्रवाई करनी चाहिए। ये न सिर्फ फुटपाथ वालों को, आम जो गाड़ी से जा रहा है रागीर उसको भी चलते चलते वो एकदम से गाय सामने आ जाती है, वो ब्रेक मारते जितने में तो उसकी गाड़ी पलटी खा जाती है। तो इस प्रकार की एक घटना नहीं है, अजमेर शहर के अंदर 10-15 दिन के अंदर कम से कम 20-25 ऐसी घटनाएं हो चुकी है जो कि केवल और केवल नगर निगम की लापरवाही के कारण हो रही है, क्योंकि वो केवल दुधारू पशुओं को अपनी शरण में ले रहे हैं, बाकी जो आवारा पशु है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं एक्सीडेंट की संभावना बढ़ रही है।